नक्सल से हमारे कितने जवान शहीद हो गए, और आंकड़े ये बताते हैं हर दिन एक जवान हमारा शहीद हो रहा है, ये कैसी हमारी नेशनल सिक्योरिटी है? तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी नेशनल सिक्योरिटी में पीछे रहती है? नेशनल सिक्योरिटी में और देश की रक्षा में भारतीय जनता पार्टी असफल हुई है, क्योंकि सीमा पर भी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, और भारत के अंदर जो नक्सलवाद से इन्हें मुकाबला करना था उससे भी मुकाबला नहीं कर पाए हैं। इतनी घटनाएं हुई हैं, कभी इतने शहीद जवान नहीं हुए होंगे। तो अगर बीजेपी एनडीए की सरकार नहीं बनती, तो अगर सारे रीजनल्स मिलके कोलिशन गवर्नमेंट बनाते, तो क्या नेशनल सिक्योरिटी एक मुद्दा होगा और उस पर अहमियत दी जाएगी इससे भी ज्यादा, बीजेपी से भी ज्यादा? नेशनल सिक्योरिटी देश के लिए हमेशा इम्पोर्टेंट रहेगा, और किसी मुल्क के लिए सबसे बड़ी जरूरत है ये जी। और रीजनल पार्टीज क्योंकि लोगों के करीब ज्यादा हैं, और रीजनल पार्टी के बहुत सारे लीडर्स के पास उदाहरण है, जब भी वो सत्ता में रहे उन्होंने बेहतरीन काम करके दिखाए हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि रीजनल पार्टीज मिलकर के अगर अगली आने वाले समय में सरकार बनाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी से भी अच्छी सरकार देंगे।